हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष आईडी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन के फोर्थ एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2016 का, फिजिक्स का क्वेश्चंस है। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको लॉजिक गेट के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स मतलब कि न्यूक्लियर फिजिक्स पे बेस्ड है क्वेश्चन, और यहाँ पर मैंने ईएम वेव्स का क्वेश्चन लिया है। सॉरी, ईएमआई नहीं, ईएम वेव्स, जिसमें हम लोग रेडिएशन, और यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा किससे इस ऑर्डर को आप लोग याद कर सकते हो। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहला वो है यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर बेस्ड। देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चार वैरायटी का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लेने का कोशिश किया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एन आर्क लैंप रिक्वायर्स अ डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पीयर एट 80 वोल्ट। तो अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आप क्या करोगे, आई लिख दोगे यहाँ पर 10 एम्पीयर और वोल्टेज लिख दोगे यहाँ पर आप 80 वोल्ट्स। और अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आपको पता लग जाएगा कि आपको रेजिस्टेंस का आगे कहीं काम पड़ने वाला है, तो आप आर की वैल्यू निकाल लोगे वी बाई आई और आपको मिल जाएगा 8 ओम्स के इक्वल। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, इफ इट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट आरएमएस, आरएमएस में वोल्टेज दिया हुआ है 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ठीक है, द सीरीज इंडक्टर नीडेड फॉर इट टू वर्क इज क्लोज टू। अब आपको एक एसी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पर। एसी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि आपके पास में एक रेजिस्टर है, यही सेम रेजिस्टर यहाँ पर यूज हो रहा है। इट इज कनेक्टेड, इफ इट इज कनेक्टेड मतलब वही सेम चीज कनेक्ट हो रहा है जिसका रेजिस्टेंस है आर इक्वल्स टू 8 ओम्स, और उसको कनेक्ट कर दिए एक इंडक्टर के साथ, एक सीरीज में इंडक्टर कनेक्ट कर दिए हैं, तो ये हो गया हमारा मान लो इंडक्टर। और फिर जो पावर सप्लाई है हमारे पास में वो है यहाँ पर 220 वोल्ट्स की इन आरएमएस, और हम लोग आरएमएस को ही यूज करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में। अब यहाँ पर क्या चाहिए हम लोग को, यहाँ पर हम लोग को चाहिए ये मान लो एल है। तो पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो करंट है वो हम लोग को सेम रखना है, क्योंकि इट इज इफ इट फॉर इट टू वर्क इज क्लोज टू। ठीक है, अब हम लोग को यही सेम करंट यहाँ पर लाना है। ठीक है, और इस केस में हम लोग को एल का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, इंडक्टर कौन सा यूज करेंगे वो हम लोग को यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर जो करंट है वो कितना है, 10 एम्पियर। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जब फेजर डायग्राम बनाते हैं तो रेजिस्टेंस आ जाता है इधर, इंडक्टर आ जाता है इधर, और कैपेसिटर आ जाता है इधर। इस केस में कैपेसिटर है ही नहीं, तो सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टर का हम लोग को रूट लेके हम लोग को इंपीडेंस निकालना है। इंपीडेंस मतलब क्या होता है, यहाँ पर इस केस में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग इंपीडेंस बोलते हैं। वो बेसिकली यहाँ पर जो फेज डिफरेंस रहता है उसकी वजह से हम लोग को वेक्टर रिजल्ट लेना पड़ता है, और यहां पर जो इंपेडेंस है वो निकल के आता है रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा एल, उसी को हम लोग यूज करके यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। और यहां पर ऊपर जो आता है वो अब तो अपना भैया आरएमएस में अपना वोल्टेज आ जाएगा 220 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको सॉल्व क्या करना है, आपको एल की वैल्यू निकालनी है, यहां पर हेनरी के फॉर्म में दी हुई है, यूनिट होता है इसका हेनरी एच। अब यहां पर आपको निकालना है तो आप सॉल्व करो यार, पेपर पेन का जरूरत नहीं है, यहां पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 22, और रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर को आप यहां ले जा सकते हो। दोनों को अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा 22 का होल स्क्वायर होता है 484। ठीक है, अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू यही सेम यहां पे यूज करना है जो यहां पर डाले हैं। ठीक है, इसी से इसमें डाले हैं, तो ये आर का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो आपको मिल जाएगा 64 प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 484। अब एक्सएल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप 64 को दूसरे साइड लेके जाओगे तो एक्सएल का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 484 माइनस 64, तो एक्सएल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 420, तो एक्सएल का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 420। तो फाइनली आप यहां पर डायरेक्टली लिख दो कि एक्सएल इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 420। अब आपको निकालना, कि आपको एक्सएल नहीं निकालना, आपको एल की वैल्यू निकालनी है। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है, विच इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 420। अगर आपको नहीं पता कि एक्सएल ओमेगा एल होता है, एक्ससी 1/ωc होता है, तो भैया प्लीज थोड़ी बहुत पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। अब यहां पर ओमेगा क्या होता है, 2π बाई टाइम पीरियड कैपिटल टी, या फिर 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर 2π fl लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2π फ्रीक्वेंसी l इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 420, और यहां पर 2π f से डिवाइड लगा देंगे अगर तो हम लोग को मिल जाएगा एल की वैल्यू, हम लोग को मिल जाएगा एल की वैल्यू रूट ओवर ऑफ 420 अपॉन 2π f। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, तो यहां पर आ जाएगा 50। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, वापस मैं बताता हूं कि आपको ओरली कैसे सॉल्व करना चाहिए। 50 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो 50 इंटू 200 हो जाएगा, और 100 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा। तो यहां पर ऊपर में है 420, नीचे में है कितना 314। अब रूट 420 का अप्रोक्स वैल्यू सोचो यार, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400,
21 का स्क्वायर कितना होता है शायद 441, तो रूट 420 ना कुछ 20.5 के आसपास कुछ ऐसा आना चाहिए, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 20.5 अपॉन 314, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि 80 तो आंसर होने से रहा क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बहुत छोटा है। अब आपको क्या करना है, पॉइंट वगैरह को तो आप हटा लो, जितने जीरो आप डाल सकते हो यहाँ पे डाल लो, और फिर आप देख लो कि ये है 314 और ऊपर में है कुछ 20500 वगैरह वगैरह, ये पॉइंट्स वगैरह को आप मारो गोली, आपको बस देखना है कि ये 6 आ रहा है, 4 आ रहा है या 8 आ रहा है, क्या आ रहा है। तो यहाँ पर जो 314 है इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको, सिंपल सा बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपके पास में 3 है, अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 18 के आसपास, ठीक है। अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6.5 से तो आपको मिलेगा 20 के आसपास। तो उसी तरीके से यहाँ पर 314 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कुछ 6 या 6.5 से तो आपको मिलेगा 20 वाला फिगर मिलेगा, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12 वाला फिगर मिलेगा, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 24 वाला फिगर मिलेगा। तो यहाँ पर 20 वाला फिगर है, 20 के अप्रोक्स आपको आंसर चाहिए, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आपका जो आंसर करेक्ट निकल के आता है वो आता है डी। नहीं समझ में आया तो एग्जैक्टली आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर, और यहाँ पर जो ऑर्डर है ना यार वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सताती है कि ऑर्डर किस तरीके से हम लोग को याद करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरा बनाया हुआ टेक्निक है वो ये कहता है कि हम लोग को रमैयावस्था, जो रमैयावस्था वाला वर्ड है उस रमैयावस्था को यूज करके यहाँ पर मैंने याद करा था इसको, और यहाँ पर जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को निकल के आता है कि रमैयावस्था का रमैया व, इतना तो आप यूज कर लो रमैया व, और उसके बाद में एक्सरे और गामा रे को आप लास्ट में ऐड कर लो, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, रमैया व एक्सरे गामा रे, ये हो गया अपना रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, विजिबल में और भी 6-7 कैटेगरी होते हैं, फिर अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे, ठीक है। अब इसके बाद सवाल आती है कि ये किस ऑर्डर में है, ये है अपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग के ऑर्डर में और लैम्डा डिक्रीजिंग के ऑर्डर में। आगे जैसे जैसे आप जाओगे तो आपका जो लैम्डा है वो हो जाएगा डिक्रीज और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इंक्रीज, तो आपकी जो एनर्जी है जो कि एच सी वाई लैम्डा होती है या फिर एच न्यू होती है वो हो जाएगी इंक्रीज, एनर्जी हो जाएगी इंक्रीज। तो इसमें जब आप आगे की तरफ जाओगे तो आपको एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बात आता है कि यहाँ पे येलो लाइट, ब्लू लाइट वगैरह भी यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर जो विजिबल होता है ना इसके अंदर में भी ना कुछ 6-7 कैटेगरी होती है, जो रेनबो होता है मतलब वायलेट, निग्रो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उसको कैसे अरेंज करता है ये आप समझना। उसके लिए ट्रिक क्या है कि यहाँ पर आपको मिलता है अल्ट्रा वायलेट, यू मतलब क्या होता है अल्ट्रा वायलेट, तो अल्ट्रा वायलेट के बगल में क्या आएगा वायोलेट, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे आई क्या है, आई होता है इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड के बगल में क्या आएगा रेड, ठीक है। उसके बाद में आपको पता होता है पैटर्न क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू यहां पर चाहिए, ब्लू यूज कर लो, ब्लू, ग्रीन, येलो, येलो यहां पर चाहिए, येलो यूज कर लो, ऑरेंज, रेड वगैरह यहां पर काम का नहीं है। अब यहां पर हम लोग क्या क्या चाहिए, पहले तो आप मार्क कर लो, रेडियो वेव से अपना काम है, एक्सरे से अपना काम है, और येलो और ब्लू से अपना काम है, ठीक है। अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी में आपको इसको अरेंज करना है, तो जैसे जैसे आप इसमें आगे जाओगे तो लैम्डा आपका कम होता जाएगा, वेवलेंथ आपका कम होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ता जाएगा, एनर्जी आपका बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसमें आगे जाओगे आपको मिलेगा सबसे कम एनर्जी आर का, उसके बाद मिलेगा वाई का, उसके बाद मिलेगा बी का, उसके बाद मिलेगा एक्स का, मतलब कि जो एक्स का एनर्जी है वो सबसे ज्यादा हाई होगा, आर का एनर्जी सबसे ज्यादा कम होगा, और वाई का एनर्जी आर से ज्यादा होगा लेकिन बी से कम होगा। अब ये आर इस क्वेश्चन में क्या है, डी है, Y इस क्वेश्चन में क्या है, Y क्या है बेसिकली येलो, येलो क्या है B है, ब्लू इस क्वेश्चन में क्या है A है, और X इस क्वेश्चन में क्या है C है। तो D B A C जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो यहां पर करेक्ट निकल के आ जाता है, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, हमारे पास में दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है A और B जिसका हाफ लाइफ हम लोग को दिया हुआ है 20 मिनट और 40 मिनट। अब यहां पर क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है इनिशियली द सैंपल्स हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दोनों का जो इनिशियल सैंपल्स था ना उसको इक्वल मान लेते हैं, N0 वगैरह मान लेते हैं यहां पर, और बोल रहा है कि आफ्टर 80 मिनट द रेशियो ऑफ द डिकेड नंबर्स ऑफ ए एंड बी न्यूक्लियाई विल बी, ठीक है। यहां पर सोचो क्या होगा, 80 मिनट्स के बाद ए का 4 हाफ लाइफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 20 मिनट अगर एक हाफ लाइफ है तो 80 मिनट मतलब 4 हाफ लाइफ, तो 80 मिनट्स के बाद क्या होगा, ये पहले तो N0/2 होगा, फिर 40 मिनट्स में N0/4 होगा, 60 मिनट्स में N0/8 होगा, फिर फाइनली 80 मिनट्स में जाएगा कितना हो जाएगा N0/16 हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो बंदा है बी वाला, ये ए के लिए मैं कर रहा हूं, ये बी के लिए मैं कर रहा हूं, बी वाला जो बंदा है उसका हाफ लाइफ है 40 मिनट, तो ये क्या हो जाएगा, 40 मिनट्स के बाद में N0/2 हो जाएगा, 80 मिनट्स के बाद में N0/4 हो जाएगा, ठीक है। मैं इस तरीके से करता हूं, आधा 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 करते जाता हूं, आप चाहो तो N0/2 टू द पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ आप यूज कर सकते हो उस फॉर्मूले को अगर आपको पता है तो, वरना आधा आधा करना मेरे को मजा बहुत आता है तो मैं ऐसे ही करता हूं। अब यहां पर क्या है,
आपको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ डिकेड नंबर्स ऑफ ए एंड बी। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहीं पर आके रेशियो लगा देते हैं, एन नॉट बाई 16 बाई एन नॉट बाई 4 निकाल के आपको मिल जाता है आंसर 1:4 या 4:1 जो भी देख लेना। बट यहां पर कंफ्यूजन ये है ना कि दो ऑप्शन दे रखा है 4:1 और 1:4 में, और स्टूडेंट्स को एक हाई टेंडेंसी होती है कि इन दोनों में से ही आंसर निकल के आएगा। बच्चे क्या करते हैं, अगर आप दो बार ड्रॉपर हो, अगर आप 16 में एग्जाम दियो, 17 में भी दियो, और अगर आप 18 में भी देने जा रहे हो और आप मेरी ये वीडियो को देख रहे हो, तो आपको जरूर याद आएगा कि शायद आपने ये गलती एग्जाम में करी होगी। बट यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि आपको डिकेड नंबर्स का रेशियो निकालना है, ठीक है, जो इनिशियल था उससे आधा आधा होते होते जो अभी बचा है उसका रेशियो नहीं निकालना है, जो डीके हो गया उसका रेशियो निकालना है। तो डिकेड नंबर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इनिशियल से माइनस करके दोनों के केस में, और जब आप डिकेड नंबर का रेशियो निकालोगे इनिशियल से माइनस करके, तो यहां पर आपको मिल जाएगा 15/16 एन नॉट, और यहां पर आपको मिल जाएगा 3/4 एन नॉट, और जब इन दोनों का आप रेशियो निकालोगे तो आपको मिलेगा 15/16/3/4, ये आपको मिल जाएगा 5:4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको डिकेड नंबर्स का रेशियो निकालना है, तो इनिशियल आपको पहले माइनस करना है उसके बाद में आपको डिवाइड लगाना है। अब यहां पे जो लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वो है लॉजिक गेट का क्वेश्चन। मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आया था एग्जैक्टली एग्जाम में जब आया था तो ये जो ग्राफ है ये इस तरीके का नहीं था, ये इस तरीके का था, मतलब ये ना यहां पर आके फिर ऊपर आया था, ठीक है। बेसिकली होता क्या, अगर नीचे होता है तो इसको हम लोग जीरो की तरह ट्रीट करते हैं, ऊपर होता है तो हम लोग वन की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहां पर जो ग्राफ है ये जीरो ही था यहां तक, उसके बाद में यहां से वन हुआ था, ठीक है, बट वो क्या है, एरर था, वो ग्राफ वैसे गलत है, ठीक है, एक भी आंसर करेक्ट नहीं आएगा उस तरीके से। तो अब हुआ क्या, मैंने एग्जैक्ट ग्राफ यहां पे बना लिया और उसी को मैं यहां पर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं जो सही ग्राफ है जिसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, नहीं तो एक भी आंसर करेक्ट नहीं होता। अब यहां पर करना क्या है, बेसिकली आपको देखना है आपके पास में चार दे रखे हैं ए बी सी डी, चारों में आपको कोई गेट ऑपरेशन लगाना है और आपको चेक करना है कि कौन से गेट ऑपरेशन से आपका जो लास्ट वाला एक्स है वो करेक्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। इफ ए बी सी डी आर इनपुट्स, एक्स इज द आउटपुट, देन एज पर द फॉलोइंग टाइम ग्राफ द गेट इज, कौन सा गेट यहां पर करेक्ट निकल के आ रहा है। अब यहां पर हम लोगों को कैसे करना है, ये नॉट तो भैया बहुत फालतू होता है, नॉट कभी भी यहां पर इस सब केस में आता नहीं है, यहां पर जो एंड और नैंड है इन सब में आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एंड गेट कब आता है, एंड गेट वन तब होता है जब सारे के सारे आपके पास वन हो, तो जब सारे के सारे आपके पास वन होंगे तब एंड गेट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, और जब कोई एक भी आपके पास में जीरो हो तो एंड गेट वन नहीं होना चाहिए। और अगर आप चेक करोगे किसी भी रो में, आप एक एक रो ना चेक करते रहो, यहां पर आप ये वाला रो मान लो चेक करोगे तो ये तो आ गया जीरो, ठीक है, ये भी आ गया जीरो, ये आ गया वन, तो एंड गेट के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, बट एक्चुअल आंसर में इसका आंसर क्या है, वन है, ठीक है। तो एक्चुअल आंसर में जब इसका आंसर वन है तो ये एंड गेट करेक्ट नहीं निकल के आ रहा है। अब उसी तरीके से आप लोग आगे सॉल्व करोगे तो आप और गेट जब देखोगे तो और गेट क्या होता है, और गेट में कोई भी एक अगर वन होता है ना तो फाइनल आंसर आपका वन निकल के आता है। तो कोई भी एक अगर वन हो, और गेट में जीरो आंसर तभी आता है जब सारे के सारे जीरो हो। तो यहां पर आप देखो कि जो फर्स्ट वाला रो है उसमें सारे के सारे जीरो है और जो फाइनल आंसर है उसमें भी जीरो निकल के आ रहा है, बाकी जितने भी रोज हैं उन सब में ना कोई एक तो भैया वन निकल के आया है, इसीलिए जो फाइनल आंसर है वहां पे वन आया है। तो और यहां पे जो है करेक्ट आंसर होगा। नैंड के लिए भी आप चेक कर सकते हो, नैंड बेसिकली कुछ नहीं है, एंड का उल्टा है, जहां जहां एंड जीरो होगा वहां वहां एंड वन होना चाहिए। तो आप चेक कर रहे ना, आपको नैंड भी करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, यहां पर जो और है वो एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। आप कोई भी रो को देख लो, चाहे आप इस रो को देखो तो आपको कोई ना कोई एक तो वन पे मिलेगा, आप इस रो को देखो तो कोई ना कोई एक तो आपको वन पे मिलेगा, फर्स्ट वाला रो पे एक भी वन पे नहीं था इसलिए जो आंसर है वो भी वन पे नहीं है, जीरो पे है। इस तरीके से हम लोग को इस क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ता है और फिर लॉजिक गेट सोचना पड़ता है कि कौन सा लॉजिक गेट अप्लाई करने से हम लोग को जो फाइनल आंसर है वो करेक्ट निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहां पर चार क्वेश्चन आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट किया, उम्मीद है वीडियो आए होगी आपको पसंद। लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, अगर अभी तक यहां तक देखा है तो पसंद आया तभी तो यहां तक देख रहे हो ना, इसलिए लाइक कर दिया करो पहले तो। और बस यही बात है, यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन था, यहां पर ईएम वेव्स का क्वेश्चन था, काफी दिनों से टॉपिक में टच करना चाह रहा था ढंग से, अभी इसको और टच करना बाकी है। जो यहां पर जो रेंज होता है, वेवलेंथ का रेंज, फ्रीक्वेंसी का रेंज, उन सबको भी मैं टच करूंगा, कुछ ट्रिक्स वगैरह बताने की आपको ट्राई करूंगा। ये मेरे हिसाब से मेरा बनाया हुआ टेक्निक है, बेस्ट टेक्निक है। हालांकि ये जो अल्ट्रा वायलेट का वायलेट होता है और इंफ्रारेड का रेड होता है ये मैंने किसी टीचर से सीखा था, और बाकी रमैया अवस्था वाला है मेरा खुद का बनाया हुआ था। तो इस तरीके से यहां पर मैंने चार वैरायटी के क्वेश्चंस लिए हैं फिजिक्स के 2016 के। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहां पर लोग डिकेड नंबर्स को भूल जाते हैं, लोग जो बचा हुआ है उसी को डिवाइड लगा के गलत आंसर निकाल के बैठ जाते हैं, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत आया था एग्जाम में। ये जो ग्राफ है ये एक्चुअल में इस तरीके का था, यहां से ये ग्राफ स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो वो गलत है। वो आ भी जाए तो भी आपको पता लगता है कि जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो यहां पर और निकल के आता है, बाकी तो बस यही बात है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म में मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।